पता आप ही वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। योगी ने ANM से कहा दूसरी डोज का समय भी बताएं। IIT कानपुर की रिपोर्ट, यूपी के अस्पतालों में हुई ऑक्सीजन की भारी बर्बादी। यूपी कांग्रेस के अंदर बगावत फैली, बाढ़ पर निगरानी और प्रबंधन के लिए एडवाइजरी जारी। खान की तबीयत स्थिर, बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव। कॉलेज एडमिशन के लिए लगेगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ताजमहल सुरक्षा कर्मियों को मिलेंगे एंटी ड्रोन डिवाइस। शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन जुलाई में। आज कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। DGP HC अवस्थी ने ठुकराया एक्सटेंशन। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को काशी दौरे की शुरुआत अपने गोद लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार के निरीक्षण से की। अपराहन 4:18 पे बलिया से हेलीकॉप्टर से बाबतपुरा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सड़क के रास्ते CHC पहुंचे। स्वास्थ्य केंद्र को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। 35 के निरीक्षण के दौरान CM ने स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूदा सुविधाएं देखी। कोरोना का टीका लगवाने और बहू की डिलीवरी कराने आई महिलाओं से सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने DM से CHC परिसर में प्रस्तावित 30 बेड के नए भवन की जानकारी भी ली। ये भवन 1 से 1.5 माह के अंदर बन जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जमकर बर्बादी हुई। 2 लीटर प्रति मिनट के स्थान पर 20 लीटर प्रति मिनट खपत की गई। सबसे ज्यादा बर्बादी सूबे के 10 अस्पतालों में हुई। प्रदेश सरकार के निर्देश पर IIT कानपुर ने यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर भविष्य की योजना तैयार की जाएगी। इसे सरकार को सौंप दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को होते हुए भी इसकी अत्यधिक कमी कैसे हुई। ऐसे में यह पता लगाया गया है कि इसकी बर्बादी बड़े स्तर पर तो नहीं हुई। रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर इसकी पुष्टि भी हुई है। कांग्रेस के पूर्व सचिव सुनील राय ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शुक्रवार को अजय कुमार लल्लू और स्वर्ण विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया और कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी मांग की है। नेपाल में भारी बारिश तथा प्रदेश के जिलों में मध्यम तीव्र बारिश से नेपाल से आने वाली नदियों के लोअर कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले जिलों में बाढ़ की स्थिति की निगरानी तथा प्रबंधन के लिए राहत आयुक्त कार्यालय ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की है। जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुरा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा बस्ती, संतकबीर नगर, बलिया, बाराबंकी, सीतापुर तथा मऊ को एडवाइजरी भेजी गई है। राहत आयुक्त रणबीर प्रसाद ने लिखा है कि नेपाल से आने वाली नदियों को लोअर कैचमेंट क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रिमोट सेंसिंग इमेजेस से प्रदर्शित हो रहा है कि महाराजगंज में 28.581 और सिद्धार्थनगर में 2674 हेक्टेयर एरिया जल प्रलावित है। इन दोनों जिलों में बाढ़ प्रबंधन कार्यों की रिपोर्ट भेजने को कहा है। पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत में सुधार है। उनके गुर्दे के संक्रमण में भी कमी आई है। पेशाब की नली भी अभी भी लगी है। डॉक्टरों की टीम आजम खान की सेहत की निगरानी कर रही है। 9 मई को आजम खान व उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला खान को कोरोना संक्रमण के कारण मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।
डॉक्टरों का कहना है कि आजम खान की तबीयत में सुधार देखने को मिला है, गुर्दे का संक्रमण कम हुआ है, डॉक्टरों ने जरूरी जांच कराई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर इलाज की दिशा तय होगी। जरूरत पड़ने पर यूरोलॉजी संबंधी ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, उनको क्रिटिकल केयर व यूरोलॉजी विभाग की टीम देख रही है। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीए, बीएससी व बीकॉम जैसे कोर्स से प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन आवश्यक रूप से लगवानी होगी, क्योंकि आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न डिग्री कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाले वेब रजिस्ट्रेशन के समय विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, जिससे कि विश्वविद्यालय के पास अपने छात्रों के टीकाकरण का प्रमाण मौजूद रहे। ताजमहल की सुरक्षा और पुख्ता करने की तैयारी है। रेड और येलो जोन की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। ताजमहल के आसपास कोई ड्रोन दिखे तो उस पर काबू करने के लिए एंटी ड्रोन डिवाइस खरीदने की योजना है। शुक्रवार को एडीजी सिक्योरिटी विनोद कुमार सिंह ने बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही ये जानने का प्रयास किया है कि पुख्ता सुरक्षा के लिए क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय के लिए अधिकारियों ने आवेदन के लिए तैयार सॉफ्टवेयर का डेमो देखा है। उसमें कुछ कमियां हैं जिसे दूर करते जुलाई प्रथम सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून करीब 5 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश पर मेहरबान हो गया है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को मानसून ने लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई दी है। पश्चिमी यूपी में मानसून मेरठ तक पहुंच गया है, बाकी पश्चिमी जिलों में भी जल्द ही मानसून पहुंच जाएगा। इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पूरे प्रदेश में 21 जून तक कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी की नौकरशाही से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी ने सेवा विस्तार एक्सटेंशन की पेशकश को ठुकरा दिया है। गौरतलब है कि यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी इसी महीने 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया का पालन करते हुए यूपी सरकार ने उपयुक्त आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल यूपीएससी को भेजा था। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक आदेश का हवाला देते हुए यूपीएससी ने अधिकारियों को वो पैनल यूपी सरकार को वापस भेज दिया।